अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। और यहाँ से हो रहा है अभी आप लोग स्टार्ट। और अभी कितने बज रहे? शाम के 5-6 बज रहे रहेंगे ना? कितने बज रहे हैं? 5 बजे। और अभी मतलब बहुत से लोग बेचारे आके गए, मैं मिल नहीं पाई क्योंकि मैं बहुत लेट सोई थी। जैसे कि आप लोग ने देखे, सुबह हमारी चादर चढ़ी, फिर सबेरे लंगर हुआ और मैं बहुत 11-12 बजे कुछ आसपास सोई रहेगी। तो आज बहुत से लोग मिलने आए थे लेकिन मैं मिल भी नहीं पाई। और अभी देखो अभी और भी कितने लोग मिलने आए। देखो आफरीन पटेल और बहुत से लोग मिलने आए। और अभी लाने हम लोग सब लोग ऐसी अभी तरह का ना नहाए ना धोए ना फ्रेश हुए। सिर्फ अभी छत्तीसगढ़ से कहाँ कहाँ से सब फॉलोअर्स लोग आए थे तो लोग के सामने मैं बरस करते करते फोटो खींची हूँ क्योंकि मैं मना भी नहीं कर सकती किसी को, है ना। बेचारे इतने प्यार से आते सब लोग। तो और हमजा भाई और हमारा दानिश तो बेचारे कितने 12-1 बजे से आके थे इधर, है ना। और देखो अयान भाई, ये लोग सब लोग कब से आके खड़े थे। और ये बच्ची भी कितने बजे से आई थी बेटा तू? हाँ भाई, 4 बजे से लोग भी आके थे। और ये लोग सब लोग देखो आके खड़े थे लेकिन, और बहुत से लोग आए थे अभी छत्तीसगढ़ के। कितने लोग तुम्हारे सामने वो लोग के साथ बरस करते करते फोटो खींची ना, क्योंकि बेचारे सब इतने प्यार से आते। लाले अभी खाना भी देखो आके इधर रुका है। खाना कैसा है हमजा भाई? मुल्ला जी जिला बिरयानी सेंटर से आया है। और हर मंग आए जब से वहाँ का खाना खा रहे हैं और एक नंबर खाना है वहाँ का, है ना लाले। और अभी सब पैकिंग बिकिंग बाकी है, देखो सब फसारा विसारा इसी पड़ा है। और अब मेरे को फोन आए फ्रेश, फिर खाते फिर निकलते हम लोग, है ना। ये देखो इधर खाना खा रहे, देखो सब लोग बिरयानी, है ना। और हमारे हमजा भाई लोग खाना भी लेके आए, खाना खा रहे हैं। और हमारी सुहाना भी आ गया। और अभी आए जयराज भाई, जावेद भाई। आज हम लोग रूम पे से बाहर ही नहीं निकले। और आज जावेद भाई ट्रेन में है साथ में। देखो सब कोई ना कोई आ ही रहा है। देखो आए ले अंडा रोल, चिकन रोल और ये पेटीज, क्योंकि लाले और मैं बिरयानी नहीं खाते, है ना लाले। तो अभी हम लोग खा रहे ये सब मस्त तीखी तीखी चटनी के साथ में। हाँ हमारा समर बस यहाँ तक था, अभी हम लोग जा रहे हैं। हमारे बेटी सब उतर गए, चलो। हाँ ले लीजिए, है ना गाड़ी है। नहीं ना चलो आएंगे, चलो स्टेशन पे बैग वीक लेके दूसरी गाड़ी में। और पीछे से सब आ रहे हैं उन लोग, सब पापा इन लोग सब। और ये ट्रेन आके खड़ी है जिसमें हम लोग जाएंगे। चला चला जय संदेश। जैसे कि हमारे रूम पे भी मिलने आए थे, लेकिन आपको
जयपुर में रहते हैं भाई, क्या नाम बोले आपने? आसिम पटेल लोग यहाँ पे नागपुर में रहते हैं और मुझे लेके मिलने आए थे मुझे अभी, लेकिन मैं सो के उठी मुझे क्या था बात नहीं कर पाया था, बच्ची जाइए साथ में बेटा बेटी और ये लोग आएगा अभी होटल में आए थे देख चालू क्या आपको हमारे असलम भाई के भाई भी बोले हमारे बड़े भाई हैं, ये बड़े भाई थे, ये बड़े भाई और असलम भाई छोटे भाई हमारे। खाना लाने का मजाक करेंगे भाई, क्या ला रहे हो आप? खाना भी आया मिठाई चॉकलेट सारा। वो हमजा भाई क्या पता ले रहे हो आप? हम तो अपने गाँव गाँव उसको बांटने का लगता है खेत में ही। चम्मच है, प्लेट है, ऐसा लग रहा नहीं। हम लोग अंजार शहर में आए, नागपुर हमारे लिए अभी जैसे दलित और सरकार है उसके बाद अब ये नागपुर हो गया था जो भी यहाँ पे भी इन शाला हम लोग जब जब बुलावा रहेगा तब तब हमारे सब भाई लोग हैं, हम जब बहुत अच्छा लगता है एकदम घर के जैसा रिलेशन हो गया अभी हमजा भाई और हमारे बिरयानी वाले भाई और ये भाई सब एकदम घर के जैसे। अरे गाड़ी हमारा सुन लिया, गाड़ी तो दिखाई नहीं मेरे तो गाड़ी को सुन लाया और बहुत अच्छा चलो 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 रिवर्स की तो लेके पैसा जमा रहे नहीं।
बम्बई वाले इरफान भाई ने वाटर मिलियन कल भी परसों भी ड्राई फ्रूट वाला शरबत बनाए थे हमारी बड़ी बहन भी मिले कैसे नहीं मिलूंगी मेरी बहन लोग जा बलियों की चौखट पे वहाँ पे मैं और ऐसी सरकार हम लोग को मिलाते रहे और माशाल्लाह सरकार ताज सरकार की इतनी अच्छी जियारत हुई है सब कुछ ताज वाले बाबा की और ऐसे ही हम लोग आते रहे और पठान का ऐसे ही साथ बना रहे हम लोग का क्योंकि पठान जहाँ हमारे साथ रहती है हमारी हिम्मत बढ़ जाती है बढ़ना भी चाहिए बढ़ना भी चाहिए ऐसा हो रहा है कि हम जा रहे हैं वहाँ हम मिल रहे हमारे साथ में ही है तो ये बहुत अच्छा लग रहा है ये मजा अल्लाह गैप से मिला गैप से मिला सरकार गैप से सच्चे दिल से मिलते ना इसके लिए अल्लाह को ऐसे अचानक में टकरा के टकरा और वो भी साथ का डब्बा रख रहे डब्बा रख रहे और बाबा की कमी महसूस हो रही है क्योंकि अभी वो तो नबी का पुल करके आए और माशाल्लाह बहुत सारे छठी वाले सरकार के उरूस में आए थे नागपुर में 801 और इतनी पब्लिक मतलब लाखों के तादाद में पब्लिक थी माशाल्लाह और मतलब पहचान वाले जितने छठी वाले थे ऐसा लग रहा था कि हम छठी में आए थे ऐसा लग रहा था कि जाने की ट्रेन में आने की ट्रेन में और देखो ना आने की ट्रेन में इतने छठे वाले मिलेंगे इतना सामान एक दूसरे एक दूसरे क्या 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 भेज रहे भेज रहे मिठाई खाना भेजे ना तभी मिठाई भेजे जहाँ कुलसुम आपा वहाँ रहे तो वहाँ पे खाने की कमी च नहीं रहती है ले डब्बे पे डब्बे आते रहते अल्हम्दुलिल्लाह चमचम खा लो आ जाओ आप लोग भी और बहुत मजा आता है कुलसुम आपा जहाँ रहती वहाँ पे डब्बे ही डब्बे सारे दिखाई देते थोड़ा सफर है खाते खाते हम लोग जाते हैं करते करते आते हैं हमारी कोई हैसियत नहीं है अल्लाह खिलाने वाला है हमेशा बोलते अल्लाह हमारी इज्जत ऐसे ही बनाए रखे अल्लाह परवरदिगार तुम्हारी इज्जत ऐसी ही बनी है क्योंकि इधर भी तुम्हारा नाम है पीछे भी पब्लिक तुम्हारा ही नाम लेती है अल्लाह का करम है और बलियों का करम है चलो देखो ये हमजा भाई के दोस्तों ने कितना सारा खाना अंडा कड़ी इसमें मच्छी के चिकन उन्हें मालूम और ये इरफान भाई ने ये भेजे रोटी भेजे और इसमें सालन है चिकन का और इसमें सब बिरयानी है खाना देख के अभी भूख भी नहीं लग रही है अभी मेरे को तो उल्टी सारा खाना देख के इतना सारा खाना और बहुत सारा साथ में टिशू बिशू सब भेजे टिशू है फिर इसमें सब चम्मच है सब कितना सारा सामान भेजे लेना इसमें भी देखो बिरयानी हो रही है ये लंगर था हाँ देखो फिर लंगर बना था वो भी भेजे और बहुत सारा खाना भेजा क्योंकि बिरयानी मैं लाले खाते ने करके ये अंडा कड़ी और इसमें मच्छी है शायद खोले ने अब देखते क्या है और अभी सबका खाना खाने का मूड भी नहीं है क्योंकि लेट ही खाना खाए थे देखो सब खाना देख देख कंटाल के ना लाले अल्हम्दुलिल्लाह मगर बहुत अच्छा भी खाना है लोग ने भेजे इंतजाम माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है जिसको भूख लगी थोड़ा थोड़ा खाएंगे बाकी खाना बांट देंगे ना ट्रेन में खाने वाले जो बहुत से लोग ट्रेन में ऐसे चढ़े और ये ट्रेन में ऐसा लग रहा है कि हम लोग छठी से जा रहे हैं लेती ना हाँ तो ट्रेन में से कितने लोग हैं जो अभी खाना हम लोग ये दे देंगे खाएंगे फिर बाकी सबको देंगे तो कोई खा लेगा वालेकुम सलाम ये ट्रेन में कितने जान पहचान वाले हैं कि पूछो मत पहुंच गए मिट्टी स्टेशन और जो भाई ने मिठाई दी तो उसमें तो पूरा रस गिर के मिठाई के पूरे सत्यानाश हो गए फिर मिठाई के रस के रसगुल्ले भर अपना जो वो छोटी टैक्सी है ना उसका 900 5 जन हाँ बड़ी टैक्सी है इसी है फाइनली हम लोग अभी टैक्सी भी कर लिए क्योंकि
बीटी से डायरेक्ट जा रहे हैं हम लोग मीरा रोड के ट्रेन में जाने के लिए। फरारी हमारी फरारी की सवारी हमारे भाई मिले इधर। सलाम वालेकुम। आप उसमें बैठ रहे हो ना? एक टैक्सी को और एक ये चाय पीने ना सोफी। और ये भाई ने पिला है मस्त चाय और यहाँ से पिए हम लोग ने अभी चाय। देखिए लाले को सुबह सुबह, लाले इधर से देखो ना, चाय चाहिए इनको सुबह सुबह। हाँ हम लोग मुंबई, ये बटाला में पहले चाय पिया हम लोग। ये है बटाला। फाइनली हम लोग घर पे पहुंच गए। घर पे पहुंच के इतना सुकून मिलता ना, ऐसा सुकून कहाँ नहीं मिलता है ना लाले। इतना भी करो घर घर होता है। उसका हमारे फॉलोवर्स आए थे जो स्टेशन पे, जो कितना अच्छा अच्छा ड्रेस लेता है, रेडीमेड ड्रेस है ये सिले ला, सेम टू सेम ऐसी ड्रेस है मेरा एक लाले का। और वो लोग नए मिठाई चूड़ा वूड़ा भी लेके आए थे, मिठाई लाए थे और एक चूड़ा लाए थे। और हमारे हमजा भाई लोग ने, हमजा भाई के दोस्त लोग ने भी देखो क्या क्या लेके आए थे। और इसमें से तो एक मिठाई का वो अन्नू को भेजी, कौन सी मिठाई थी, संतरे वाली। और ये सब हमजा भाई के दोस्त लोग लेके आए। और ये बिरयानी, बिरयानी भी भेजे क्योंकि घर वाले लोग को बिरयानी वहाँ की बहुत पसंद है, तो वो भी भेजे। इसमें भी पूरी बिरयानी है। और ये मिठाई भी लेके आए थे हमजा भाई लोग ने, हमजा भाई के दोस्त ने, हमजा भाई ने सभी लोगों को। ये हमजा भाई मिठाई लेके आए थे पहले रूम पे, इसमें से सबको को भी दी हूँ। अभी बहुत और फंसा रहा है सब इधर उधर। एक फिलहाल पहले पी लूँ चाय। चाय पीएंगे। हाँ हमजा भाई ने भी एक नंबर चाय पिलाई थी पहले। लाल दो बार पिए वो चाय, दो गिलास भर ले। और अभी ये सब वीडियो डालने के बाद किया है, अभी सब थोड़ा थोड़ा वीडियो और रील्स में भी डालूंगी, क्योंकि बहुत वीडियो है सब अलग अलग करके डालूंगी। और जितने भी मेरे वीडियो नागपुर के दरवाजे कैसे लगे बताना ज़रूर, और कमेंट अच्छे अच्छे करना, नहीं तो कमेंट ही मत करना। और बुरा कमेंट करेंगे तो मेरे को पढ़ने आता नहीं है, फर्क पड़ता नहीं है ना। और वैसे मेरे को बुरे कमेंट बहुत कम आते, ना के बराबर है ना। हाँ कमेंट बहुत कम आते लेकिन अच्छे अच्छे आते हैं, क्योंकि सबको पता है कम से कम आपको पढ़ने नहीं आता है ना। और मैं जल्दी किससे पढ़ाती भी नहीं हूँ, और माशाल्लाह अगर जो हाँ और सही बात है, हम लोग हमारे में मस्त रहे, उसके लेने में देने में नहीं। हाँ फिर कोई उंगली करेगा तो उसको छोड़ते भी नहीं है ना, छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारा काम धंधा ही यही है, छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे। जियो और जीने दो, ये हमारा दोस्तों है। आज का ब्लॉग मैं इधर ही कर रही हूँ, लोग अच्छा लगे तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना है ना।